हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजिक मैग्नेट। आज का टॉपिक है एक्वाटिक एडेप्टेशंस। फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एडेप्टेशंस के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम एक्वाटिक एडेप्टेशंस के अंडर मरीन एडेप्टेशंस के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं एक्वाटिक एडेप्टेशंस। एक्वाटिक एडेप्टेशंस का मतलब वाटर में रहने के लिए एनिमल के फिटनेस को एक्वाटिक एडेप्टेशंस कहा जाता है। एक्वाटिक एडेप्टेशंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एक्वाटिक एडेप्टेशंस, सेकंड है सेकेंडरी एक्वाटिक एडेप्टेशंस। प्राइमरी एक्वाटिक एडेप्टेशंस ऐसे एनिमल जिनके एंसेस्टर रहे होंगे वे पहले ही एक्वाटिक हैबिटेट में रहते थे और अभी जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है वो भी एक्वाटिक है। एग्जाम्पल है फिशेस। सेकेंडरी एक्वाटिक एडेप्टेशंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एंसेस्टर लैंड में रहा करते थे, अब वो पानी की तरफ बढ़ गए हैं और अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक्वाटिक हो गए हैं। इसे सेकेंडरी एक्वाटिक एडेप्टेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल टर्टल्स, डॉल्फिन्स। नेक्स्ट है एडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द मरीन इन्वायरमेंट। फर्स्ट मरीन हैबिटेट। फ्रेंड्स, हैबिटेट का मीनिंग होता है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ अपना प्लेस बनाकर रहती है उसे हैबिटेट कहते हैं। तो मरीन हैबिटेट होता क्या है देखते हैं। सी और ओशंस में ऑर्गेनिज्म का ड्वेलिंग प्लेस, निवास स्थान है। अर्थ 71% वाटर से कवर है, उसमें से 97% मरीन वाटर है और रिमेनिंग 3% फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज़ करते हैं। अर्थ का सबसे लार्जेस्ट हैबिटेट है मरीन हैबिटेट। मरीन हैबिटेट अर्थ का सबसे लार्जेस्ट हैबिटेट है। ये 36 करोड़ 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है और मरीन ऑर्गेनिज्म के रिलेशन से हम उसकी इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, उसे ओशनोग्राफी कहते हैं। अभी सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मरीन हैबिटेट। फर्स्ट है वॉल्यूम। ये लार्जेस्ट हैबिटेट है। कंटिन्यूटी, मरीन वाटर वर्ल्ड का एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है। डेप्थ, मरीन वाटर की डेप्थ 4000 मीटर होती है। सैलिनिटी, सी वाटर की सैलिनिटी बहुत हाई रहती है, अबाउट 3.5%। ऑस्मोसिस, सैलिनिटी ज़्यादा होने के कारण सी वाटर हाइपरटोनिक होती है और सी और मरीन ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी फ्लूइड हाइपोटोनिक होता है। पीएच, इसकी पीएच 8 to 8.3 है। जोनेशंस ऑफ मरीन हैबिटेट। पेनेट्रेशंस ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ओशनिक जोन 2 जोन में डिवाइडेड है। फर्स्ट है फोटिक जोन, सेकंड है अफोटिक जोन। फोटिक जोन अगेन 2 जोन में डिवाइडेड है, यूफोटिक जोन और डिस्पोटिक जोन। यूफोटिक जोन ये अपर लेयर है वाटर का, ये सरफेस से 80 मीटर तक फैली है। इस जोन में लाइट पूरी तरह से प्रेजेंट होता है। लाइट प्रेजेंस होने के कारण यहाँ प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं। डिस्पोटिक जोन ये मिडल लेयर है वाटर का, ये सरफेस से 80 to 200 मीटर तक फैला है। इस जोन में लाइट थोड़ा कम रहता है। लाइट थोड़ा कम होने के कारण प्रोड्यूसर्स यहाँ रेयर पाए जाते हैं। अफोटिक जोन ये लोवेस्ट लेयर है वाटर का, 200 मीटर के नीचे तक फैली है। लाइट यहाँ कम्प्लीटली अब्सेंट होता है, इसीलिए यहाँ कंज्यूमर मतलब प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट नहीं रहते, यहाँ कंज्यूमर प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है स्ट्रेटिफिकेशंस ऑफ मरीन हैबिटेट। मरीन हैबिटेट एग्जिबिट क्लियर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशंस। मरीन हैबिटेट अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली 2 रीजन में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है पेलाजिक रीजन, सेकंड है बेंथिक रीजन। पेलाजिक रीजन ये इंटायर वाटर बॉडी है और ये 2 जोन में डिवाइडेड है। फर्स्ट है नेरिटिक जोन, सेकंड है ओशनिक जोन। नेरिटिक जोन जो शॉलो रीजन है शोर का उसे नेरिटिक जोन कहते हैं। सेकंड ओशनिक जोन, ओपन सी बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल शेल। बेंथिक जोन सरफेस वाटर अलॉन्ग द ओशनिक फ्लोर, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम शोर लिन टू डिप वाटर।
इसकी कोई स्पेसिफिक डेप्थ नहीं होती, यहाँ लाइट पेनेट्रेट नहीं होता। बेंथिक रीजन टू जोन में डिवाइडेड है, लिटोरल जोन और डीप सी। लिटोरल जोन जो लैंड के पास पानी का इलाका है उसे लिटोरल जोन बोलते हैं, इसे सी शोर एरिया भी बोलते हैं और नियर शोर भी कहते हैं। लाइंग विथ हाई टाइड एंड लो टाइड वाटर, लिटोरल जोन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, यू लिटोरल और सब लिटोरल। लिटोरल है वो अगेन थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, इंटर टाइडल रॉकी शोर, इंटर टाइडल सैंडी शोर, इंटर टाइडल मडी शोर। डीप सी थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, बैथियल जोन, अबाइसल जोन और हेदल जोन। पेलेजिक कम्युनिटी, पेलेजिक ऑर्गेनिज्म टू पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। फर्स्ट है प्लैंकटन, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। सेकंड है नेक्टन, जो स्विमिंग एनिमल है। प्लैंकटन अपनी उनकी कोई लोकोमोटरी पावर नहीं होती, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होती, ओशन करेंट के थ्रू वो मूव करते हैं। प्लैंकटन टू पार्ट में डिवाइडेड है, फाइटोप्लैंकटन प्लांट लाइक प्लैंकटन होते हैं जो वाटर के सरफेस पर फ्रीली फ्लोट करते हैं। एग्जांपल अल्गी, डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। और जू लाइक प्लैंकटन जो वाटर के सरफेस पर फ्री फ्लोट करते हैं, जो प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन को फीड करते हैं। एग्जांपल है जेली फिशेज, रेडियोलैरिंग्स, कोपेपॉड्स, सर्टन मॉलस्क एंड एम्फीपॉड्स। नेक्टॉन जो है वो स्विमिंग एनिमल होते हैं, नेक्टॉन को लोकोमोटरी ऑर्गन प्रोवाइडेड होती है। एग्जांपल है फिशेज, बर्ड्स, मैमल ईटीसी। जो प्लैंकटन ये लाइफ साइकिल की ड्यूरेशंस के बेस पर और साइज के बेस पर क्लासिफाइड हुआ है। लाइफ साइकिल की ड्यूरेशंस के बेस पर टू पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मीरोप्लैंकटन, सेकंड है होलोप्लैंकटन। मीरोप्लैंकटन है वो टेम्प्रेरी प्लैंकटन है जो ऑर्गेनिज्म पार्शियली अपने लाइफ में प्लैंकटन है जो एक फॉर्म में है या लार्वे की फॉर्म में है। एग्जाम्पल है ट्रोकोफोर, बायपिनेरिया ईटीसी। होलोप्लैंकटन ये परमानेंट प्लैंकटन है, इसमें सभी एनिमल इंक्लूड होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करके फ्लोटिंग स्टेट में रहते हैं। एग्जांपल है जेली फिशेस, माइसिस ईटीसी। साइज के बेस पर जो प्लैंकटन थ्री पार्ट में डिवाइडेड, फर्स्ट है माइक्रोप्लैंकटन, सेकंड है माइक्रोप्लैंकटन, थर्ड है नैनो प्लैंकटन। मैक्रो प्लैंकटन ये लार्ज प्लैंकटन है और ये विजिबल मतलब नेकड़ ऐसे से देख सकते हैं। एग्जांपल है जेली फिशेज, साल्फा ईटीसी। सेकंड है माइक्रो प्लैंकटन, ये स्मॉल प्लैंकटन है, इसे प्लैंकटन नेट में ट्रैप करते हैं। एग्जांपल क्रस्टेशियंस लार्वा। थर्ड है नैनो प्लैंकटन, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इस प्लैंकटन को प्लैंकटन नेट में ट्रैप नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर अल्गी। नेक्स्ट है मरीन एडप्टेशंस। फर्स्ट है शेप, पेलेजिक ऑर्गेनिज्म में ब्लेडर लाइक, ब्रांच लाइक, हेयर लाइक, रिबन लाइक ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म को पानी में फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है। सेकंड है थीन शेल, प्लैंकटन ऑर्गेनिज्म में थीन शेल होने के कारण बॉडी का वेट कम होता है जिससे वह आसानी से फ्लोट कर सके और अपने आप को डूबने से रोक सके। थर्ड है अनकैल्सिफाइड एक्सोस्केलेटन, पेलेजिक ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन वीक होता है जिसे उनकी बॉडी का वेट कम होने के कारण वे पानी में इजीली फ्लोट करते। एग्जांपल है लोलिगो ओइगोसीडिया। फोर्थ है वाटर स्टोरेज, पेलेजिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टिश्यू में वाटर स्टोर रहता है जिससे इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी रिड्यूस हो जाती है और ये आसानी से पानी में तैर सकते हैं। एग्जाम्पल है लेप्टोसेफेलस पायरोजोमा। फिफ्थ है स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल ड्रॉप, पेलेजिक ऑर्गेनिज्म में फैट और ऑयल ड्रॉप्स एक्यूलेट होता है
जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी रिड्यूस होता है और वे आसानी से पानी में तैरते हैं। 6 है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर का मेन फंक्शंस रेस्पिरेशंस के लिए होता है। एयर ब्लैडर फिश के वेट को मेंटेन करने का काम करती है। 7 है इलोंगेटेड अपेंडेजेस। फ्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म में अपेंडेजेस इलोंगेटेड होता है और ब्रांच होता है जो ऑर्गेनिज्म को पानी में डूबने से बचाता है। एक्टिव स्विमिंग, प्लैंकटन ऑर्गेनिज्म वाटर सरफेस पर स्विमिंग करते हैं, एग्जांपल माइसिस ईटीसी। स्पेशल प्रोसेस, फ्लोटिंग करने के लिए स्पेशल आउटग्रोथ बॉडी का डेवलप करता है। नेक्स्ट है डायअर्नल माइग्रेशंस। प्लैंकटोनिक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सन के हीट से बचाने के लिए नाइट में वाटर के सरफेस में माइग्रेट करते हैं और दिन में डीपर वाटर में चले जाते हैं, एग्जांपल एम्फीपोड्स कोफेपोड्स ईटीसी। नेक्स्ट है ऑस्मोरेगुलेशन। द बॉडी फ्लूइड ऑफ मरीन एनिमल आर हाइपोटोनिक टू मरीन वाटर, हेंस हेक्सो ऑस्मोसिस अकर। मरीन एनिमल का बॉडी फ्लूइड हाइपोटोनिक होता है एज कम्पेयर टू सी वाटर। सी वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण हाइपरटोनिक होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस अकर करता है। थैंक यू।